अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे फोटीन ऑफ सितंबर 2020 क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस एंड अवर टॉपिक इज़ फ्लोटेशंस फ्लोटेशंस जैसे कि हमने कल का लेसन में भी उसके बारे में पढ़ा है आज फिर हम क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज़ इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्टेप मेड अप ऑफ थिंग्स इन ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंक हमारे पास क्वेश्चन <coughs> ये बन रहा है कि क्यों मुश्किल होता है एक स्कूल बैग को होल्ड करना और स्कूल बैग को होल्ड करना हैविंग ए स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रांग कि जिस स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है स्ट्रिप कैसी हो पतली और मज़बूत हो तो ऐसे बैग को होल्ड करना मुश्किल क्यों है ये हमने समझना है कि क्यों हो डिफ़िकल्ट होता है स्कूल बैग को होल्ड करना जिसका स्ट्रैप जो है वो क्या हो थिन हो और स्ट्रॉग स्ट्रिंग का बना हो तो इसका आंसर है वन वी होल्ड ए स्कूल बैग वेन वी होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रोंग स्ट्रिंग द एरिया ऑफ कंटेक्ट ऑफ अवर हैंड इन थिन स्ट्रिंग डिक्रीज ए लॉट एज कंपेयर टू द वाइज स्ट्रैप ये रीज़न है जहाँ कि जो एरिया है जो द एरिया ऑफ कंटेक्ट ऑफ आवर हैंड एंड थिन स्ट्रिंग डिक्रीज ए लॉट एज कंपेयर टू द वाइफ स्ट्रैक जो एरिया है दूसरे लफ्जों में कहेंगे जो ये प्रेशर पड़ रहा है किसका ये थिन स्ट्रिंग का किस पर हमारे हाथ पर और ये भी हमें पता है कि बैग का जो वेट है वो डाउन जाएगा यानी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो हमारे हाथ को क्या करेगा दुखाएगा ठीक है ना और वो जो स, स, थिन स्ट्रिंग है वो हमारे हाथ हाथ में क्या करेगी दसने दसेगी किसकी वजह से वेट की वजह से तो इसीलिए ये क्या हो उसको होल्ड करना मुश्किल है तो इसीलिए बैग का जो स्ट्रिप होता है वो वाइड एंड सॉफ्ट बनाया जाता है दस द फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द स्कूल बैग इसलिए जो उस स्कूल बैग की जो वेट होता है वो एक्ट करता है ऑन ए स्मॉलर्स एरिया यानी किस पर स्मालर एरिया क्यों स्मॉलर एरिया क्योंकि जो जो स्ट्रिप है वो थिन है स्ट्रैप है जो वो थिन है कैसी है जी वो पतली है स्मॉलर एरिया एंड एग्जिस्ट ए लार्जर प्रेशर और प्रेशर क्या करता है लार्ज करता है दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हेल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिंग इसलिए मुश्किल होता है ऐसे बैग को होल्ड करना जिसका स्ट्रैप थिन स्ट्रिंग से बना हुआ हो ठीक है ना एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसके साथ ही अब क्वेश्चन है वट डू यू मीन्स बायोन्सी Abiancy क्या है वेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्सड इन ए फ्लूड फ्लूड्स क्या है लिक्विड और ऑयल जो बह जाए इट इज इट इट एक्सपेरस एन अपवर्ड फोर्स इट एक्सपेरस अपवर्ड फोर्स एग्जिस्टेड बाई द फ्लूड तो फ्लूड में से क्या है अपवर्ड फोर्स है दिस अपवर्ड फोर्स एग्जिस्टेड बाई द फ्लूड्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नाम एज फोर्स ऑफ बायसी और इसी फोर्स को जो फोर्स अपव क्रिएट होती है किसमें फ्लूड में उसको हम फोर्स ऑफ बायसी कहते हैं या बायट फोर्स कहते हैं जब बायट फोर्स कहते हैं ठीक है ना द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस बायट फोर्स डिपेंड अपॉन द डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड द वर्ड इज ए वर्ड जो है ये डिप्टी लिखा है इसने ये गलत है डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूड ग्रेटर डेंसिटी ऑफ द फ्लूड ग्रेटर विल बी द मैगनीच्यूट ऑफ दायमेंट फोर्स तो इसलिए ये क्या हमारे पास एक बन गया ये क्या वो क्या वर्ड है ये ये डेंसिटी है और ये क्या वो यहाँ गलत था ये है मैगनीचूड तो मैं रिपीट करता हूँ इसको वैन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट्स एक्सपरसिज एंड अपुड फोर्स एग्जिसट बाय द फ्लूड दिस अपड फोर्स एग्जिट बाय द फ्लूड्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नाउन एज फोर्स ऑफ बायवेंस सी आर बायट फोर्स द मैगनीच्यूट ऑफ दिस बायस फोर्स डिपेंड अपॉन द डेडिटी ऑफ द फ्लूट्स ग्रेटर द डिटी ऑफ द फ्लूड्स ग्रेटर विल भी दैगनीचूट्स ऑफ दट फोर्स तो इनशा कल फिर आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ, साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए हदा हाफ